आज हम जिस युग में जी रहे हैं ना, वह युग डिजिटल युग है और यह एक स्किल का युग है। आज अगर हमें कोई स्किल आती है तो हमारे पास सब कुछ है, अगर स्किल नहीं है हमारे पास तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। भले ही हम पढ़े हों या ना पढ़े हों, लेकिन हमें अगर कुछ आता है, कुछ स्किल हमारे पास है, कुछ कौशल है, तो हमें दुनिया पूछेगी और हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास सब कुछ आएगा हमारे पास। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें स्किल क्यों सीखना जरूरी है। आप स्टूडेंट हो सकते हो, आप टीचर्स हो सकते हो, आप हाउस वाइफ हो सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारी स्किल हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि बिना स्किल के हम कोई भी काम के नहीं हैं। और जिसको स्किल आती है इस युग में, उसे पूछा जाता है, उसका सम्मान होता है, उसके पास पैसा होता है, उसके पास सब कुछ होता है। तो क्यों हम क्यों पीछे रहें इस दुनिया में, हम क्यों नहीं दुनिया के साथ चलें? तो अगर आप लोग तैयार हैं, और वह कौन सी स्किल है जो हमें सीखना चाहिए वास्तव में, अगर आप चाहते हो वह स्किल कौन सी है और उन्हें हम सीखकर हम भी दुनिया के साथ चल सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कुछ ऐसी स्किल जो कि आपको जरूर सीखनी चाहिए और आपके जीवन पर्यंत आपके साथ चलेंगी, आपको काम आएंगी। आज हम कुछ 15 से 16 स्किल के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें सीखनी चाहिए और हमें आगे काम आएंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। गर्मियों का समय छात्रों के लिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने का सबसे अच्छा अवसर है। वे पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं, राइटिंग और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दे सकते हैं। दोस्त परिवार के साथ बातचीत करने में समय बिताना भी मदद हो सकता है, इससे भी आप क्या है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो सेकंड स्किल्स है आपकी, कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स आज के डिजिटल युग में बहुत ज़रूरी है। छात्र गर्मियों में कोडिंग सीख सकते हैं, प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइन या डाटा इंस्पेक्शन या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के इस्तेमाल पर फोकस कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूटोरियल, कोडिंग बूट कैंप, फिर कंप्यूटर साइंस कोर्स के जरिए एक कौशल प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी स्किल है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। ये क्या होती है, शायद ये कई लोगों ने पहली बार ही सुनी होगी। तो गर्मी में स्टूडेंट अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। वे अपने बिजनेस आइडियाज पर काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी सीख सकते हैं, मार्केटिंग सीख सकते हैं और सेल्स के बारे में भी समझ सकते हैं और बिजनेस प्लान बनाने में माहिर हो सकते हैं। इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप, इंटर्नशिप और मेंटर से तलाश मदद मिल सकती है, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, सीख सकते हैं। जो आपकी फोर्थ स्किल्स है वो है आर्टिस्टिक। गर्मियों में छात्र अपने कलात्मक कौशल जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, फिर या म्यूजिक या डांस वो सीख सकते हैं। वे आर्ट क्लासेस, वर्कशॉप, सेल्फ लर्निंग रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्किल न केवल रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाते हैं, बल्कि इससे आपका कंसंट्रेशन, पैशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट स्किल है आपकी टाइम मैनेजमेंट। यह आज के समय बहुत ज़रूरी है। छात्रों के लिए अपने समय या टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सुधारने का मौका है। वे अपना शेड्यूल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल बना सकते हैं, हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। टू डू लिस्ट या प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करने से छात्र अपनी प्रोडक्टिविटी और कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्किल जो हमें सीखनी चाहिए, वो है आपकी कुकिंग। कुकिंग तो अभी कुकिंग सीखना एक अच्छी बात हो सकती है। आप अपने पसंदीदा डिश को घर पर बना सकते हैं और अपने फैमिली या फ्रेंड्स को खुश कर सकते हैं। आप न्यू रेसिपी ट्राई कर सकते हैं और अपने कुकिंग टेक्निक्स को सुधार सकते हैं। इसमें भी भविष्य में करियर है, बना सकते हैं। जो आपकी नेक्स्ट 7 नंबर पे वो है आपकी फोटोग्राफी।
फोटोग्राफी सीखना एक अच्छा मौका हो सकता है। आप अपने लोकल स्टालों का सफ़र कर सकते हैं, सुंदर पिक खींच सकते हैं, अपनी फोटोग्राफी का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी 8 नंबर पे पेंटिंग या ड्राइंग। अगर आपको क्रिएटिविटी पसंद है तो गर्मियों में पेंटिंग और ड्राइंग सीखना एक अच्छा विकल्प है। आप अपनी कल्पना को कैनवास पर उतार सकते हैं और अपने कलात्मक दक्षता को बढ़ा सकते हैं। जबकि नेक्स्ट स्किल है 9 नंबर पे, वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आपको संगीत पसंद है तो आप गर्मियों में संगीत वाद्य यंत्र सीख सकते हैं। आप गिटार, पियानो, तबला या किसी और वाद्य यंत्र का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी म्यूजिकल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी 10 नंबर पे डिजिटल स्किल्स। आप डिजिटल स्किल्स का भी अभ्यास कर सकते हैं। आप वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल मेकिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग जैसे स्किल्स को सीख सकते हैं। ये स्किल्स आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है आपकी फिटनेस एक्टिविटीज़। अपनी बॉडी को फिट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ सीख सकते हैं, जैसे स्विमिंग, साइकिल चलाना, योग, ताई ची या किसी अन्य एक्सरसाइज को सीखना। ये आपके स्वास्थ्य और शरीर का ध्यान रखने में हेल्पफुल रहेंगी। आप अपनी बॉडी को अच्छा बनाने के लिए योगा सीख सकते हो। आप व्यायाम, मेडिटेशन, योगिक क्रियाएं सीख सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है आपकी राइटिंग। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो आप राइटिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। आप ब्लॉग लिख सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं या किसी भी अन्य लिखने की कला को सीख सकते हैं। ये भी एक अच्छी स्किल है, आप इसे सीख सकते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर पर है सेल्फ केयर, मतलब स्वयं की देखभाल। अपने आप की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए स्टूडेंट को अपना डाइट, हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए उनका शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहें। स्टूडेंट को सर्दियों के समय की तुलना में अधिक पानी पीना चाहिए इस मौसम में। नेक्स्ट आपकी स्किल्स है वो है आपकी क्रिएटिव स्किल्स। स्टूडेंट अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। इस टाइम में स्टूडेंट विभिन्न गतिविधियों जैसे कि पेंटिंग, ड्राइंग, राइटिंग, म्यूजिक या सीख सकते हैं। एंड लास्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इट इज़ मस्ट, आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन होता है ना, उसकी बहुत इज्जत होती है। तो स्टूडेंट को समस्या या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। इस टाइम में छात्रों को कोई कठिन समस्याओं का समाधान खोजने का मौका मिलता है और वो अपनी विश्लेषणात्मक और महत्वपूर्ण सोच कौशल भी सुधार कर सकते हैं। तो भी वो टाइम है कि आप इन स्किल्स पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर कौन सी स्किल सीख सकते हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आए थे, इसके कारण यह वीडियो बनानी पड़ी। और यह कुछ 15 से 16 स्किल्स हैं जिनको ध्यान में रखकर आप इन स्किल्स पर काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके लिए YouTube पर बहुत सारी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे। आपके घर परिवार में जो कुछ भी इसके बारे में जानता हो तो उससे आप सीख सकते हैं, ठीक है। जहाँ से हमें ज्ञान मिले वहाँ से हमें ले लेना चाहिए, ओके। तो ये कुछ स्किल्स हैं, आप इनको सीख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार उन्हें भी सीख सकते हैं, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी पता चले ऐसे भी कुछ स्किल्स हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।